वो तो ड्रीम इलेवन में लाखों और करोड़ रुपए का सपना आपका चकनाचूर हो जाता है, या फिर क्यों चकनाचूर हो जाता है, आप कहां पर गलती करते हैं। और वो तो जो सपना आपका सातवें आसमान पर होता है दोस्तों, पारी समाप्त होते होते वो सपना दोस्तों जमीन पर आ जाता है, और आप दोस्तों ड्रीम इलेवन में दोस्तों फर्स्ट रैंक की थी, बात क्या करते हैं विनिंग जोन से बाहर हो जाते हैं। ये दोस्तों हकीकत होती है। शुरुआत में जब ड्रीम इलेवन में इंसान दोस्तों एंट्री करता है, 40 या 49 रुपए से एंट्री करता है, तो उसके सपने दोस्तों सातवें आसमान पे होते हैं, उसकी रैंक बहुत अच्छी होती है, और वो सबसे पहले बाइक भी, फोर व्हीलर भी, एक अच्छा मकान बनाना चाहता है। एट लास्ट में दोस्तों जब सेकंड पारी के 3-4 ओवर बचते हैं तो उसकी रंग इतनी खराब होती चली जाती है कि वो ईश्वर से विनती करने लगता है कि भगवान 49 या 39 रुपए से जो हमने एंट्री की है वही हमें वापस कर दे, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। ये ड्रीम इलेवन फैंटेसी क्रिकेट माय इलेवन सर्कल की हकीकत होती है। तो दोस्तों हकीकत क्यों होती है, आप कहां पर गलती कर जाते हैं जो ये सपना दोस्तों चूर हो जाता है, तो आपको आज हम बताने वाले हैं दोस्तों आप कहां गलती करते हैं। क्योंकि दोस्तों इंडिया और वेस्ट इंडीज का दोस्तों थर्ड ओडीआई मैच, दोस्तों दोनों टीमें दोस्तों मजबूत है, दोनों टीमें एक एक मैच जीत करके दोनों टीम बराबरी पर खड़ी हैं, और दोस्तों इंडिया चाहे कि जैसे हम टेस्ट क्रिकेट जीता है, टेस्ट सीरीज जीता है, वही वनडे सीरीज जीते, वही वेस्ट इंडीज दोस्तों टेस्ट का बदला लेना चाहेगी, परंतु उसके यहां पर होना है। यह मैच बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टेड होने वाला है दोस्तों, लाजवाब होने वाला है, ब्रेन लड़ा स्टेडियम पर यह मैच होने वाला है। यहां पर अभी तक दोस्तों अगर ओडीआई मैच की बात करें तो एक भी ओडीआई मैच नहीं खेले गए, बल्कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के साथ एक T20 मैच खेला गया, जहां इंडिया ने पहली पारी खेलते हुए दोस्तों 190 रन की शानदार पारी खेली है, वहीं 122 रन पर दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम धराशायी हो गई थी दोस्तों। तो लाजवाब पिच है दोस्तों, एक नई पिच है, और नई पिच पर दोस्तों अगर ये कहे तो एक तरह से सोचते हैं बैलेंस पिच है, क्योंकि एक टीम ने स्कोर बनाया तो एक टीम धराशायी हुई, जहां पर रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था, 64 रन ठोक दिए थे लाजवाब तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको वही पिक बताने जा रहे हैं, क्योंकि कहां पर आप गलती करते हैं और ड्रीम इलेवन का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाता है, तो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्योंकि दोस्तों ये थर्ड मैच में 30 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया, जिसे फर्स्ट विजेता को 1.5 करोड़ और सेकंड विजेता को 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों देरी नहीं करेंगे हम, क्योंकि दोस्तों आप गलती कहां करते हैं कप्तान और कप्तान बनाने में, क्योंकि दोस्तों ड्रीम इलेवन फैंटेसी क्रिकेट माय इलेवन सर्कल में जिसके कप्तान और कप्तान गिरफ्त में होते हैं दोस्तों करोड़ों और लाखों रुपए वही जीत पाता है, क्योंकि कप्तान का एक अंक दोगुना हो जाता है, वाइस कैप्टन का एक अंक डेढ़ गुना हो जाता है, इसलिए दोस्तों कप्तान और कप्तान जिसके गिरफ्त में आ गए करोड़ों रुपए वही कमाता है। एट लास्ट उसकी रैंक इतनी खराब हो जाती है कि फर्स्ट रैंक आने की जो बात करें वो विनिंग जोन से बाहर हो जाता है। यह ड्रीम की ड्रीम इलेवन क्रिकेट की हकीकत होती है दोस्तों। तो इसमें हमने एक दोस्तों 3-4 घंटे के एनालिसिस करने के बाद आपको कप्तान और कप्तान का एक स्पेशल वीडियो दोस्तों थर्ड ओडीआई के लिए बनाया है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक सेकंड में वीडियो को स्किप कर दिया तो दोस्तों आपको अधूरा ज्ञान एक श्राप साबित होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको नहीं लेना है दोस्तों। आपको करोड़ों जीतना है, करोड़ों रुपए कमाना है, तो दोस्तों आपको पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा, वीडियो को स्किप मत करना, एक सेकंड भी स्किप कर दिया अभी तक दोस्तों, अगर स्किप कर चुके तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, परंतु वीडियो को अब स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि हमने दोस्तों यहां पर क्या एनालिसिस किया, किस प्रकार से 100 टीमों को देखा है, 100 टीमों के एनालिसिस करने के बाद आपको बताया दोस्तों कि यहां पर हम इंडिया के टॉप 6 खिलाड़ियों को लिया, वही वेस्ट इंडीज के भी टॉप 6 खिलाड़ियों को लिया जो दोस्तों कप्तान और कप्तान बनने की रेस में है, दोनों टॉप 6 खिलाड़ी का उनका दोस्तों सिलेक्शन परसेंट, उनका कैप्टन सिलेक्शन परसेंट, उनका वाइस कैप्टन सिलेक्शन परसेंट, सब कुछ आपको बताएंगे, उसके बाद बताएंगे दोस्तों कि आपको किसको बनाना है कप्तान और कप्तान, ये भी बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, और हम चलते हैं दोस्तों देरी न करते हुए, सबसे पहले इंडिया के टॉप 6 खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वहीं वेस्ट इंडीज के टॉप 6 खिलाड़ी में साइन हुआ बिग किंग, काइल मेयर, आर्थर पेट, ए जोसेफ और सिंक्लेयर है दोस्तों। इस प्रकार से हमने दोनों टीमों के टॉप 6 खिलाड़ियों को बताया। उसके बाद हम चलते हैं अब इंडिया के एक एक खिलाड़ी के पोल पट्टे खोलने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग बने रहिएगा। विराट कोहली देखिए, विराट कोहली का सिलेक्शन परसेंट 73.01 है, 73.01 सिलेक्शन परसेंट है, इन्हें कप्तान 11.73% लोग कप्तान बनाना चाहते हैं, बल्कि 9.18% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। तो विराट कोहली ऐसे भी बहुत ही उम्दा बल्लेबाज है दोस्तों, आप लोग आज रिस्क ले सकते हैं विराट कोहली में कप्तान और कप्तान बना करके। वही रोहित शर्मा देखिए, रोहित शर्मा को जानते ही होंगे दोस्तों, रोहित शर्मा बहुत ही
मजे हुए खिलाड़ी है और ओपनर बनने वाले हैं और इनके सामने हर बॉलर दोस्तों बॉल फेंकने के लिए थर्राता है, क्योंकि किस बॉल को ये बाउंड्री के बाहर कर दे ये कोई नहीं जानता दोस्तों। लगातार जब तक रोहित शर्मा दोस्तों क्रीज पर होते हैं रनों की बरसात होती है दोस्तों। इनका दोस्तों सिलेक्शन परसेंट 62.4% है, वही दोस्तों इन्हें 8.07% लोग कप्तान, वही 6.23% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं दोस्तों। अब बात चाहते हैं न्यू प्लेयर है सुमन गिल। सुमन गिल दोस्तों आईपीएल के हीरो, आन बान शान आईपीएल के। सुमन गिल को कहना है क्या दोस्तों, ऑरेंज कप के विजेता, सबसे अधिक रन बनाने वाले आईपीएल के हीरो सुमन गिल, जिनका सिलेक्शन परसेंट लगभग दोस्तों 60%, 59.91%, वही 10.28% लोग कप्तान, वही 7.82% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाना चाह रहे हैं। अब बात आती है हरपन मौड़ा खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जीटी के महान नेतृत्वकर्ता हार्दिक पांड्या दोस्तों, इनका सिलेक्शन परसेंट 83.76% है, जहां इन्हें दोस्तों इनको 5.48% लोग कप्तान, वहीं दोस्तों 8.37% लोग कप्तान बनाना चाह रहे हैं। वहीं अब चलते हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया दोस्तों ओडीआई मैचों में, इसीलिए दोस्तों सभी 22 खिलाड़ियों में दोनों टीमों के सबसे ज्यादा सिलेक्शन परसेंट रविंद्र जडेजा को लगभग सभी लोग अपनी टीम पर ले रहे हैं। 96.61% इनका सिलेक्शन परसेंट, जहां 34.87% लोग कप्तान और 20.31% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। वही देखते हैं कुलदीप यादव की बात करें, कुलदीप यादव बहुत ही अच्छे वाला, इनका सिलेक्शन परसेंट लगभग 89.83% है, इन्हें 10.87% लोग कप्तान, वही 19.32% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाह रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों इंडिया के प्रत्येक टॉप सिक्स खिलाड़ियों का रिकॉर्ड दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ मुंह मोड़ते हैं दोस्तों। वेस्ट इंडीज में है दोस्तों साई होप दोस्तों, बहुत ही लाजवाब मजे हुए खिलाड़ी, दोनों ओडीआई मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया दोस्तों। इनका सिलेक्शन परसेंट बहुत बड़ा है 87.30, इन्हें 1.94% लोग कप्तान बनाना चाहते हैं, वही 3.84% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। बी किंग की बात करें, विकेट कीपर लाजवाब बल्लेबाज है, इनका सिलेक्शन परसेंट लगभग स्थिर है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने दोनों मैचों में 15-17 रन बनाए, बहुत अच्छा योगदान नहीं दिया, इसलिए इनका सिलेक्शन परसेंट में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, मात्र 53% है, इन्हें 1.49% लोग कप्तान, वही 2.18% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। वही काइल मेयर्स का दोस्तों सिलेक्शन परसेंट में इजाफा हुआ है, क्योंकि सेकंड पारी जो खेली है दोस्तों सेकंड ओडीआई में उन्होंने 36 रन की शानदार पारी खेली है, इसलिए इनका सिलेक्शन परसेंट थोड़ा सा ऊपर उठ के आया है। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इनको दोस्तों 52.09% सिलेक्शन परसेंट, जहां 2.63% लोग इन्हें कप्तान, 4.78% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। आर सिफर्ट ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया दोस्तों सेकंड ओडीआई मैच में दोस्तों, इन्होंने बहुत ही उम्दा पारी खेली है, इनका सिलेक्शन परसेंट में दोस्तों इजाफा हुआ 13.04%, 0.27% लोग कप्तान, वही 0.53% लोग कप्तान बनाना चाहते हैं। एक जोसेफ है दोस्तों बहुत ही अच्छे दोस्तों ये बॉलर है, इनका 14.91% सिलेक्शन परसेंट है, इन्हें 0.16% लोग कप्तान, 0.33% लोग कप्तान बना। के सिंक्लेयर की बात करें तो इनका सिलेक्शन परसेंट 2.03 है, इनको 0.03% लोग कप्तान, वही 0.05% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाना चाह रहे हैं दोस्तों। लाजवाब मैच होने वाला है, बहुत ही गजब है दोस्तों। थर्ड ओडीआई है, दोनों टीमें जो दोस्तों जीत के साथ है दोस्तों, एक एक मैच जीत के साथ दोनों टीमें बराबरी पर है, तो यहां पर आपको दिमाग लगाना है दोस्तों, आपको दिमाग लगाना कि हम दोस्तों यह दोनों टीमों में लास्ट में चले गए तो इस बार कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। एक दोस्तों प्रेडिक्शन की टीम अलग दोस्तों, और दोस्तों कप्तान कप्तान की टीम, इसीलिए आपको दोस्तों एक दोस्तों स्पेशल रूप से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बनाना किसको है कप्तान कप्तान, हम आपको वो भी बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों, तो हम दो प्रकार से आपको कप्तान कप्तान बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग अब इस जगह से वीडियो को बिल्कुल स्किप्ट मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहीं से आप करोड़ रुपए पिन करने वाले। तो यहां पर आपको कप्तान कप्तान में बिल्कुल रिस्क लेना है दोस्तों, यहां पर दोस्तों आपको बिल्कुल रिस्क लेंगे तभी कुछ होने वाला। तो आपको सुमन गिल दोस्तों, सुमन गिल या दोस्तों
तो यहां पर हार्दिक पांड्या में आपको की रिस्क लेना पड़ेगा। दोस्तों सुमन गिल या हार्दिक पांड्या को आपको कप्तान बनाना है, सुमन गिल या हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना है। वहीं वाइस कप्तान की बात करें तो काइल मेयर्स या दोस्तों साई होप को बनाना है। ये तो रही आपकी सेफ टीम दोस्तों, ये रही आपकी सेफ टीम। वहीं अगर और ज्यादा रिस्क लेना चाहते दोस्तों तो आप दोस्तों रोहित शर्मा या रविंद्र जडेजा को आप कप्तान बना दीजिए। वहीं आर से बर्ड या दोस्तों बी किंग को आप कप्तान बना दीजिए। लाजवाब खेल होगा दोस्तों, लाजवाब खेल होगा, क्योंकि दोस्तों आप ड्रीम इलेवन में अगर टीम बनाते हैं तो केवल एक ही टीम नहीं बनाते दोस्तों, कई सारी टीम बनाते हैं, वही विजयी होता है, क्योंकि एक टीम में पूरी तरह से आप क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आप लोगों को हम बताने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों यहां पर ड्रीम इलेवन फैंटेसी क्रिकेट और माई इलेवन सर्किल में दोस्तों कप्तान उपकप्तान का ही पूरा खेल होता है, और जिसके कप्तान उपकप्तान दोस्तों गिरफ्त में आते हैं दोस्तों करोड़ों रुपए वही जीत पाता है, अन्यथा दोस्तों फूटी कौड़ी ड्रीम इलेवन से मिलने वाली नहीं है दोस्तों, मिलने वाली नहीं है। तो आप लोगों को हम आपको बता रहे हैं फूटी कौड़ी नहीं, करोड़ों रुपए लाखों रुपए आपको जीतना है तो हमारे हिसाब से दोस्तों आपको कप्तान और कप्तान। ये दोस्तों हमने 3-4 घंटे एनालिसिस करने के बाद लगभग 100 टीमों को देखा, उसके बाद आपको दोस्तों हम कप्तान उपकप्तान का ये वीडियो प्रोवाइड कर पाए दोस्तों। ये एक एनालिसिस वीडियो होता है हमारा, एनालिसिस करने के बाद आपको बताते हैं दोस्तों एक हमारा फाइनल टीम, फाइनल कप्तान उपकप्तान आपको टॉस होने के 10 मिनट बाद आपको कहां मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलने हैं। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा मोटो न गरीब रहेंगे न गरीब रहने देंगे दोस्तों, ये हमारा बात है दोस्तों। तो यहां पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर देने वाले हैं दोस्तों, तो आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हमारा मोटिवेशन और दुगना हो सके, आपको और ही जोश के साथ एक बेस्ट टीम दे सके, बेस्ट कप्तान उपकप्तान बता सके दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।